नमस्कार, मैं हूं दिबांजली मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने कोरोना को मात दे दी। कुछ दिनों पहले ही वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अब कार्तिक ने फैंस को जानकारी दी कि अब वो कोरोना से मुक्त हो गए। कोविड-19 की रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद कार्तिक आर्यन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आए। वहीं अपनी इस खुशी को दोगुना करते हुए कार्तिक ने अपने लिए एक ब्रांड न्यू महंगी कार खरीदी। उन्होंने अपनी चमचमाती लैम्बोर्गिनी उरुस कार के साथ एक वीडियो भी शेयर की। इस वीडियो में सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा, जिसके कारण कार्तिक अचानक चौंक पड़ते। कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कार्तिक अपनी नई कार के पास खड़े होकर पोज दे रहे। काले रंग की लैम्बोर्गिनी के पीछे ढेर सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे। वहीं इस कार के आगे बने स्वास्तिक को देखें तो मालूम होता है कि पहले कार्तिक ने इसकी पूजा करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कार की कीमत 4,50,00,000 रुपए। वहीं इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कार्तिक ने कैप्शन में लिखा, खरीद ली पर मैं शायद महंगी चीजों के लिए बना ही नहीं। बता दें कि कार्तिक को नई कार के लिए फैंस तो उन्हें बधाई दे ही रहे हैं, इसके साथ कई सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट के जरिए कार्तिक के लिए खुशी जाहिर। वैसे कार्तिक के पास एक BMW कार भी है, जो उन्होंने साल 2017 में खरीदी थी। और साल 2019 में कार्तिक ने अपनी मां को मिनी कूपर की एक शानदार कार गिफ्ट में दी। कार्तिक आर्यन 22 मार्च को अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर फैंस से अपने लिए दुआ करने के लिए कहा था। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, परेश रावल, राजपाल यादव और तब्बू अहम किरदार में नजर आएंगे। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनीस बस्मी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा कार्तिक के पास दोस्ताना 2 भी है, जिसमें वो जानवी कपूर के साथ नजर आएंगे। वहीं जल्द ही नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म धमाका भी रिलीज होने वाली, जिसका हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। वैसे कार्तिक आर्यन से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।